नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं। और प्रोजेक्ट होगा क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा फायर डिटेक्टर अलार्म, यानी कि वो फायर को डिटेक्ट करके हम सभी को अलार्म देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे फायर डिटेक्टर अलार्म कैसे बनाया जाता है और कैसे वो वर्क करेगा। तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हम अपने इक्विपमेंट देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें 9 वोल्ट की पावर सप्लाई यानी 9 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, एक SPDT स्विच की जरूरत पड़ेगी, एक हमें PCB बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि 0.5 mm की है, और एक हमें हैडर पिन ये होती हैं हैडर पिन की आवश्यकता पड़ेगी, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंपोनेंट जो हो हमारा होगा IR सेंसर, जो कि ये आप देख रहे हैं एक IR सेंसर था। उसके साथ साथ एक हमें ज़रूरत पड़ेगी रिले मॉड्यूल, 1 चैनल रिले मॉड्यूल की। आई होप आप सभी को इन कंपोनेंट से परिचित होंगे, आप सभी जानते होंगे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये रिले मॉड्यूल हमारा है, रिले मॉड्यूल 1 पोर्ट रिले मॉड्यूल। अगर आप रिले के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम एक रिले पे इंडिविजुअल वीडियो ले आएंगे जिसमें रिले के बारे में अच्छे से आपको समझा देंगे। इसी के साथ हमें चाहिए एक बजर जो कि हमें अलार्म देगा फायर को डिटेक्ट करने के बाद, और साथ ही में चाहिए कुछ जम्पर वायर, और लोड के लिए हम कनेक्ट करेंगे एक LED। उसके लिए LED कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक होल्डर। तो इन इतने कंपोनेंट हमें इस प्रोजेक्ट में यूज करने पड़ेंगे, क्या क्या, होल्डर, LED, जंपर वायर या कनेक्टिंग वायर, ये हमारे ये जो दिए गए हैं, साथ में बजर जो अलार्म का काम करेगा, एक IR सेंसर होगा, और एक रिले मॉड्यूल होगा, 1 चैनल रिले मॉड्यूल होगा, साथ में कुछ हैडर पिन की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारा बैटरी पावर सप्लाई जरूरत पड़ेगी, और बैटरी पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए बैटरी क्लिप की जरूरत पड़ेगी, यानी बैटरी के जो होल्डर होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। और साथ में जो हमारा SPDT स्विच है जो कि बैटरी को ऑन ऑफ करने के काम करेगा। तो ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट। अब जो हम इस सर्किट में IR सेंसर यूज़ करेंगे उसमें देखिए आप दो इसमें डायोड दिए गए हैं, एक हमारा फोटो डायोड होता है, एक ट्रांसमिट डायोड होता है, ठीक। तो लेकिन हमें फायर डिटेक्ट कराना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी ट्रांसमिट डायोड की, हमें इस डायोड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डायोड को हम इसको ऐसे इधर को मोड़ देंगे ताकि ये हमारा डायोड सेंस ना करे, या फिर तो हमारा ट्रांसमिट करेगा, और जो सिग्नल ये ट्रांसमिट करेगा वो इसी को सेंस करेगा। तो इस डायोड को सेंस करने के लिए इसके थ्रू जो सिग्नल गया है वो सिग्नल को ना सेंस करे, इसलिए हम इस डायोड को इधर कर देंगे, और जो हमारा जो हमारा रिसीवर डायोड है यानी फोटो डायोड जो है यही केवल फायर को या फिर आग को डिटेक्ट करेगा। अगर इसको भी उधर कर दोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा और डिटेक्ट कर लेगा, तो हमारी जो सर्किट होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए इसको या काट के निकाल दो जैसी आपकी इच्छा हो, या फिर आप इसको ऐसे पीछे तरफ फोल्ड कर दो ताकि जो इसके सिग्नल ट्रांसमिट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको चाहे काट दें या फिर इसको ओपन सर्किट कर दें, यहाँ निकाल दें, या फिर आप इसको इधर फोल्ड करें तब भी काम करता रहेगा, ठीक। क्योंकि हमारा मेनली काम जो है हमारे इसी डायोड का काम है जो कि फोटो डायोड है, और ये प्रकाश या लाइट को या फिर जो फायर होगा उसको एब्जॉर्ब करके सिग्नल ये दे देगा रिले को, ठीक। तो ये हमारा इसमें ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम जो PCB बोर्ड है उस पर चलते हैं, उस PCB बोर्ड पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम हेडर पिन को इस तरह जो हमारा PCB है उसमें इंस्टॉल कर लेंगे, और साथ में जो इस पीछे इसके पिन निकले हुए हैं हेडर पिन के आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम 3-3 पिन को हम कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉमन करने के लिए हमें यहीं पे हेडर पिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इनके 3-3 पिन के कॉमन जो पिन दिए गए हेडर पिन हैं इसमें हर एक 3 पिन को कॉमन करते रहेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, हम सोल्डरिंग के थ्रू इसको कॉमन करेंगे, सोल्डरिंग से हम 3-3 पिन को सोल्डर कर लेंगे यहाँ तक, और इन 3 को यहाँ तक, और इन 3 को यहाँ तक हम सोल्डरिंग कर लेंगे, ठीक। तो चलते करते हैं अभी हम कॉमन इनको। तो PCB बोर्ड पे सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हेडर पिन लगाए थे यहाँ पे उन हेडर पिन में 3-3 पिन को हमने कॉमन कर दिया। 3-3 पिन कॉमन करने का मतलब क्या हुआ कि हमें आगे जो कॉमन कनेक्शन करना पड़ेगा वो कहाँ से लाएंगे, तो इसे हेडर पिन से लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 3 पिन आपस में कॉमन हो चुकी हैं, और उसके साइड में जो 3 पिन दिए हैं ये आपस में कॉमन है, और ये भी 3 पिन आपस में कॉमन है। तो इन 3-3 पिन को हम कॉमन कर चुके हैं, और साथ में इधर एक स्विच हम लगा दें जो SPDT स्विच है जो कि ऑन ऑफ का काम करेगा, और जो हमारा IR सेंसर था उसको यहाँ भी इंस्टॉल कर चुके हैं। इस IR सेंसर को आप देख सकते हैं, इसमें जो हम ट्रांसमीटर LED थी या ट्रांसमीटर डायोड जो था उसको हम इधर मोड़ चुके हैं, और जो हमारा रिसीवर डायोड यानी फोटो डायोड जो काला वाला है इसको हम सीधे रखें क्योंकि यही हमारा सिग्नल रिसीव करेगा, ठीक। और साथ में इधर एक कनेक्टर लगाएं जो कि आउटपुट यानी लोड कनेक्ट करेगा, यहाँ से जो हमारा LED कनेक्ट होगी वो यहीं से कनेक्ट होगी, इसलिए हम इसमें कनेक्टर लगा के और इसके पीछे हम ग्लू गन लगा दें ताकि जो इंसुलेशन का काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम AC कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे झटका लगने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए हम यहाँ पे इंसुलेशन कर दिए हैं ग्लू गन के थ्रू, ठीक। यहाँ पे हम ग्लू लगा, इधर भी हम जो स्विच लगाएं उसको भी ग्लू से हम कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक। तो ये तो हमारा होगा बेसिक सर्किट। अब इसको आगे जो कंपोनेंट लगाएं उसको हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या करना है इसमें।
हम सबसे पहले इस सर्किट में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो 9 वोल्ट बैटरी हमारी है ये वाली, इसको इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करना है, जो हमारा ये कनेक्टर है बैटरी का, इसको पहले हम स्विच के साथ कनेक्ट कर दें। एक तो हमारा यहाँ पर लग जाएगा इनपुट में स्विच के, और दूसरा स्विच का जो आउटपुट होगा हम किसी कामन के इसी हाइडर पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमें पहले इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करना है देखते हैं। अब आप देख सकते हैं जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जो स्विच का नेक्स्ट टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे किसी इसी जो हाइडर पिन है, इसके कामन जो 3 कामन पोर्ट बनाए हमने, इसके किसी एक कामन पोर्ट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो कनेक्ट करते हैं किसी एक कामन पोर्ट से इसको। देख सकते हैं आप जो हमारा स्विच है ये वाला SPDT स्विच है, इसका जो एक टर्मिनल तो हमारा इस कनेक्टर से कनेक्ट हो गया, दूसरा टर्मिनल जो हमारा वो इस वाले जंपर जो हैडर पिन है हम इसको इस जो 3 ये हैडर पिन है इसके साथ कामन कर चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कामन किए हैं यहाँ पे, तो इन 3 हैडर पिन के साथ कामन कर चुके हैं, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे हो गए, ये तीनों पॉजिटिव टर्मिनल हो गए। ठीक, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बैटरी इंस्टॉल करेंगे, ये वाली जो हमारी 9 वोल्ट बैटरी है इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहीं पे PCB बोर्ड पे। तो हम डबल टेप के साथ, जो हमारा डबल टेप है इसके साथ हम यहाँ पे बैटरी को फिक्स कर दें। ये बैटरी यहाँ पे फिक्स हो गई, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसको भी हम किसी कामन के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। तो जो पॉजिटिव इसी जस्ट साइड वाला जो 3 पिन कामन है इसके साथ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी का कनेक्शन तो इस हैडर पिन से हो गया, क्योंकि जो हमारी हैडर पिन है यही पूरे सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड कराएंगी। तो जो पॉजिटिव पिन हमारी हो गई, ये 3 पॉजिटिव पिन हो गए इधर की स्टार्ट की, और जस्ट उसके साइड की जो 3 पिन है हमारी बैटरी की नेगेटिव पिन हो गई हैं, और जो ये 3 पिन है ये हम इस सर्किट से कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो आप परेशान मत होइए, सब कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ तक कि सर्किट आप मल्टीमीटर से मेजर भी कर सकते हैं कि सर्किट सही है कि नहीं है। ये तो हमारा स्विच हो गया, आपको बताएं कि इधर का जो 3 पिन है ये हमारी पॉजिटिव है, इधर जो हमारी 3 पिन है नेगेटिव है। तो मल्टीमीटर को हम DC पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि DC पे हम मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इन 3 पिन में हमें जो मिल रहा है, और इन 3 पिन में हमें देखो लगभग 9 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट की हम बैटरी भी यूज़ किए, आप 3 पिन में से 9 वोल्ट ले सकते हैं, 3 पिन हमारी इधर और ये 3 पिन हमारी इधर। स्विच से जब हम अगर ऑफ कर देंगे इसको तो ये 9 वोल्ट नहीं देगा। तो इस प्रकार से हमारी सर्किट जो है सही है यहाँ तक। ठीक, अब आगे कनेक्शन हम करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, IR सेंसर जो इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो IR सेंसर में आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक VCC का पिन है, ये VCC है, उसके जस्ट साइड में ग्राउंड है। तो हम VCC को VCC से तथा ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी ग्राउंड मतलब क्या, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, और जो VCC बैटरी के पॉजिटिव यानी प्लस 9 वोल्ट टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम जंपर वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दें यहाँ पे, और इसी वायर के साथ हम सीधे VCC को VCC से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा VCC टर्मिनल है, इसको VCC से कनेक्ट कर दिए, जस्ट उसी के 3 पिन बाद हमारा जो दिया है वो ग्राउंड का टर्मिनल दिया गया है। तो आप चेक करना चाहें तो देखें कि हमारा IR सेंसर करंट आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ स्विच ऑन करके देख सकते हैं। देखिए हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कनेक्शन हमारा सही है बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए। यहाँ तक तो जो कनेक्शन था वो IR सेंसर तक कनेक्शन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो रिले मॉड्यूल है। अब रिले मॉड्यूल कनेक्शन करने के लिए पहले हम रिले मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, हमारा डबल टेप के साथ इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं रिले मॉड्यूल को, कुछ इस प्रकार हम इसको फिक्स कर देते हैं रिले मॉड्यूल को। और रिले मॉड्यूल में भी आप देख सकते हैं कुछ पिन दी गई हैं, कौन कौन से पिन हमारी दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनपुट दी गई है, एक ग्राउंड दी गई, एक VCC दी गई है। ठीक, तो ग्राउंड और VCC को हम बैटरी के साथ सीधे कनेक्ट कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे पिन बनी हुई हैं, पिन दी गई हैं। और इनपुट हम जो इसका रिले का आउटपुट है, क्योंकि सेंस तो यही करेगा हमारा, जो लाइट होगी, जो फायर होगा या फिर जो आग होगी उसको जो सेंस करेगा हमारा IR सेंसर ही सेंस करेगा। तो जो इसका आउटपुट होगा उसका इनपुट जो हमें देना है वो रिले के इनपुट पे देना। ठीक, जो इसका रिले का IR सेंसर का जो आउटपुट होगा उसका जो आउटपुट होगा वो रिले के इनपुट के रूप में कार्य किया जाएगा। तो हम इसका भी कनेक्शन आप सभी के साथ कर लेते हैं, कैसे करेंगे, जंपर वायर के थ्रू। 2 जंपर वायर लिए हम, 2 जंपर वायर में से क्या क्या करंट, एक तो हमें VCC कनेक्ट करना है, दूसरा हमें क्या कनेक्ट करना है, ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं VCC और ग्राउंड को हम इससे के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। ये हम VCC को
और ग्राउंड को कनेक्ट कर चुके हैं। VCC वाला जो हमारा टर्मिनल ये है, तो हम इसको यहाँ से जो हमारी बैटरी का VCC है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये VCC की बैटरी का, और उसी के साथ जो ग्राउंड हमारा उसके जस्ट साइड में हम ग्राउंड यहाँ पे बनाया है टर्मिनल, इसको ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, रिले का ग्राउंड। ठीक, तो आप देख सकते हैं रिले में भी करंट आ रहा होगा, आप ये देखिए ये रिले भी हमारा ऑपरेट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे यानी कनेक्शन बिल्कुल सही दिया गया है इसको, ये IR सेंसर भी और रिले भी ऑपरेट कर रहा है। ठीक, आप चलते हैं रिले के इनपुट का कनेक्शन करने के लिए। तो रिले का इनपुट का जो कनेक्शन करना है वो हमें करना है IR सेंसर के आउटपुट से। तो IR सेंसर का जो आउटपुट हमारा आया है उसका आउटपुट हमें मिलेगा तीसरा वाला जो पिन है, इस वाले पिन से, जो ये पिन हमारा दिया गया इस पिन से हमें मिलेगा IR का आउटपुट। और IR का आउटपुट हम कामन के जो तीसरा पिन है उसमें हम करंट कनेक्ट करेंगे। ठीक, किसके कामन से कनेक्ट करेंगे, जो कामन का तीसरा पिन है उससे हम कनेक्ट करेंगे IR का आउटपुट, और इस IR के आउटपुट को हम लेकर आएंगे सीधे रिले के इनपुट पे। किस पे? रिले के इनपुट पे, ये इस वाले जम्पर वायर के थ्रू। ये हमारा रिले का इनपुट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब बात आती है बजर लगाने की, जो कि बजर हमारा अलार्म का काम करेगा। ठीक, तो बजर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बजर को कहीं फिक्स करते हैं, तो हम ये डबल टेप के साथ ही इसको फिक्स करेंगे। तो बजर के पीछे हम ये जो डबल टेप है इसको चिपका लिए हैं। अब इसको हम इसी PCB बोर्ड जो है इसी पे फिक्स करेंगे, यहीं पे हम कहीं फिक्स कर देते हैं इसको। ठीक, ये बजर हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक, अब बजर का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल उसको हम सीधे VCC से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें हमारा जम्पर वायर तो है ना, तो इसको हमें करना पड़ेगा सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमारा स्विच दिया है, क्योंकि हमें इसको बैटरी का पॉजिटिव देना है, हम कहीं से भी दे सकते हैं, जो हमारा यहाँ से भी दे सकते हैं इसको, या फिर इसमें हम जम्पर वायर कनेक्ट करके यहाँ से भी दे सकते हैं। तो जैसी इच्छा हो वैसी कर सकते हैं आप। तो जो बजर का हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम स्विच के दूसरे टर्मिनल से, जो हमारा स्विच का आउटपुट टर्मिनल होता है उसके साथ हम कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब इसमें हेडर पिन कनेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो नेगेटिव पिन हमारा है इसका बजर का, ये नेगेटिव पिन हमारा रिले के आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। किसके साथ? रिले के आउटपुट के साथ। तो रिले का आउटपुट आपको पता ही कौन है, ये हमारा रिले के आउटपुट है, तीन पिन जो हमें निकले हैं। तो इसमें भी हेडर पिन कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सीधे इसको सोल्डरिंग कर देते हैं इसके आउटपुट के साथ, जो कॉमन किया गया उसके साथ हम इसको सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा IR सेंसर का आउटपुट का कॉमन पोर्ट जो हमारा था उसके साथ हम जो बजर था उसका आउट नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो हमारी सर्किट बनके पूरी तरह तैयार है, बस इसका हमें लोड कनेक्ट करना है, यानी कि बल्ब को हमें कनेक्ट करना है। लोड जो हमारा कनेक्ट होगा वो रिले के आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। रिले के आउटपुट में क्या होता है, तीन टर्मिनल होते हैं रिले के आउटपुट में। कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है, एक कॉमन होता है, यानी जो बीच वाला होता है हमारा ये कॉमन होता है, और जो इस साइड है हमारा नॉर्मली ओपन हो, इस साइड हमारा नॉर्मली क्लोज है। अगर आपको सभी को रिले के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें नेक्स्ट वीडियो रिले के पूरा स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझा देंगे कि रिले काम कैसे करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट तो आपको रिले जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इस सर्किट के बारे में देखते हैं। जो हमारा ये सर्किट है जिसका आउटपुट हमें कनेक्ट करना है, इस जो कनेक्टर हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इसका आउटपुट जो हमें कनेक्ट करना है, एक तो कॉमन के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा टर्मिनल हमारा कनेक्ट करना है नॉर्मली क्लोज के साथ। तो नॉर्मली क्लोज हमारा ये हो जाएगा और कॉमन हमारा ये हो जाएगा। तो इसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये रिले का आउटपुट का कनेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा कॉमन वाला है, कॉमन वाला जो टर्मिनल है वो हमारा ये वाला टर्मिनल है जो ये कॉमन के साथ कनेक्ट किया गया है, और नॉर्मल क्लोज हमारा इस साइड वाला है जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है। अभी पूरी तरह सर्किट हमारा बनके तैयार है, बस हमें इसमें करना क्या है, लोड यानी कि बल्ब का होल्डर कनेक्ट करना है। तो बल्ब का होल्डर कनेक्ट करने के लिए हम जो वायर का यूज़ करेंगे, हमारा वायर ये रहा, इसको हम कनेक्ट करना हमें लोड के लिए यानी कि बल्ब के होल्डर के थ्रू। तो ये हमारा कनेक्ट कर देंगे होल्डर में पहले इधर। आप देख सकते हैं कि ये जो होल्डर हमारा है इसके दोनों टर्मिनल को हम कनेक्ट कर चुके हैं, ब्लैक के साथ एक रेड के साथ। ठीक, और ये हम यहाँ पे तार इसका काट लिए हैं, क्योंकि हमें इसको जो बल्ब कनेक्ट करना है वो सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में हमारा ये बल्ब कनेक्ट होगा, और जो कनेक्शन इसका देना है ये हमारा सीधा इस जो ये दोनों वायर हैं ये दोनों इनके रिले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और एक कनेक्शन जो हमारा होगा यहाँ पे, एक तो हमारा सीधे होल्डर के साथ कनेक्ट होगा और सीधे हमारे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। तो आप यहाँ तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कैसे कनेक्शन होगा इसका।
ये वाला जो हमारा वायर है ये तो सीधे होल्डर के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि जो ये वाला वायर ब्लैक वाला वायर है ये हमारा सीधे होल्डर में और सीधे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, ठीक। और जो हमारा दूसरा ब्लैक वाला वायर है, ये ब्लैक वाला वायर हमारे रिले के कामन से होते हुए नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट होगा, ठीक। तो आप ये जरूर ध्यान से देख लेना कि इसका कनेक्शन जो आउटपुट का हुआ वो कैसे हुआ। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में जो सर्किट डायग्राम इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना कि सर्किट इसका क्या है, तो वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं इसके सर्किट डायग्राम कि कैसे इसका कनेक्शन किया गया है। तो जो इसका टर्मिनल हमारा ये दो टर्मिनल है, इसको हम सीधे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा एक कनेक्शन है कौन सा रिले का आउटपुट हमारा कॉमन तथा नॉर्मली क्लोज, ठीक। तो ये सर्किट हमारी पूरी कनेक्शन हो चुका है पूरी सर्किट का। यहाँ पे हम लगाएंगे एक होल्डर जो कि इस तरह कनेक्ट होगा, ये हमारा होल्डर कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम रखेंगे उधर और इन दोनों टर्मिनल से हम इसको देंगे पावर सप्लाई, ठीक। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, नॉर्मली क्लोज हमारा ये वाला टर्मिनल है, ठीक। हम यहाँ पे गलती से ये वाला बता दिए थे और इसमें कनेक्शन कर दिए थे, तो नॉर्मली क्लोज जो कनेक्शन हमारा ये वाला कनेक्शन, इसमें हम नॉर्मली क्लोज का तथा कॉमन वाला जो बीच वाला कनेक्शन इसके साथ हम इसका आउटपुट कनेक्ट करेंगे, ठीक। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब बारी इसकी टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा होल्डर है यानी कि जो बल्ब है लोड इसका, उसको हम रखते हैं इस साइड, और उसी के साथ में जो हमारा पावर सप्लाई के लिए हमारा एक्सटेंसिव बोर्ड है उसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और इसमें जो ये दोनों टर्मिनल हैं ब्लैक वाले उसको हम कनेक्ट करते हैं। इसको पहले हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से स्विच के थ्रू, इसको हम किए ऑफ, इसमें हम दोनों टर्मिनल को किए कनेक्ट, ठीक है। दोनों टर्मिनल हमारे कनेक्ट हो गए, इसको ऑन करते हैं, देखते हैं हमारी LED ग्लो करती है नहीं, देखते हैं। ये हमारी LED ग्लो कर गई, लूज कनेक्शन की दिक्कत आ रही थोड़ी सी। देखिए ये हमारी LED ग्लो कर गई, ठीक। आप देख सकते हैं हम जैसे यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ये वाली स्विच ऑफ किए हमारा लाइट ऑफ हो गई, जैसे हम इसको ऑन किए स्विच हमारा ऑन हो गई, ठीक। अब हम इसको डिटेक्ट कराते हैं फायर, देखते हैं ये काम हमारी सर्किट कर रही है कि नहीं। देखिए आप तुरंत जैसे इसके सामने आग लेकर आते हैं, तुरंत सर्किट हमारी काम कर रही है, आप देख सकते हैं तुरंत लाइट हमारी ऑफ हो जा रही है। तो आप ये प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में या फिर अपने घर के प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी तथा काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसे हम ये स्विच ऑफ करेंगे फिर हमारा ये जो फायर डिटेक्ट करता है बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा IR सेंसर काम नहीं करेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है हमारा ये। फिर से सर्किट की टेस्टिंग करते हैं, यहाँ से हम स्विच को करते हैं ऑन, ये हमारी लाइट हो जाती है ग्लो, और ऐसे ही इस सर्किट को भी करते हैं ऑन, यहाँ से जो हमारा स्विच लगाया गया है और ये तुरंत फायर को डिटेक्ट कर लेता है, ये देखिए तुरंत फायर डिटेक्ट कर, जैसे हम इसको इधर से इधर किए दूसरे साइड किए, ये तुरंत लाइट हमारी ग्लो कर जाएगी, और जैसे हम इसके सामने लेकर आएंगे आग के सामने लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। काफ़ी ज़्यादा इसकी रेंज भी होती है, देखिए काफ़ी ज़्यादा रेंज है इसकी, तो इस तरह ये काम करता है। जैसे हम इसको हटाए हैं तुरंत ही हमारी सर्किट ऑन हो जाएगी। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि ये कैसे काम करता है। और साथ ही में अगर आपको इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देंगे, वहाँ से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नज़र हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग करता कैसे। सबसे पहले क्या होता है, IR सेंसर जो हमारा होता है ये फायर को डिटेक्ट करता है किसके, अपने डायोड यानी फोटो डायोड के साथ, और इसका जो आउटपुट हमारा दिया, आउटपुट हमारा रिले के इनपुट पर दिया गया है। रिले का इनपुट जो हमारा होगा वो IR सेंसर का आउटपुट होगा, ठीक। और दूसरा आउटपुट हमारा बजर के साथ दिया गया, क्योंकि बजर भी इसका अलार्म बजाता है, ठीक। तो ये दोनों IR सेंसर के आउटपुट हो जाएंगे, और जैसे IR सेंसर का आउटपुट हम रिले तथा बजर पे देंगे, जैसे फायर को डिटेक्ट करेगा, ये दोनों ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएंगे, ठीक। बैटरी के पावर सप्लाई से हम इन दोनों के VCC तथा ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, और इसके VCC की तरह ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, और साथ ही जो बजर हमारा है, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के VCC यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सर्किट है, ज़्यादा कोई कठिन सर्किट नहीं है, आप इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिपोर्ट फाइल की ज़रूरत है तो हम उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो लोड हम कनेक्ट करेंगे LED के रूप में, तो उसका जो फाइनली आउटपुट मिलेगा और रिले के आउटपुट से मिलेगा, कॉमन के साथ आता है, नॉर्मली क्लोज के साथ मिलेगा, ठीक। तो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली कॉमन के साथ इसका जो फाइनल आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आई होप इसकी वर्किंग तो समझ में आ गई होगी, आपको प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे प्रोजेक्ट तथा नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं।